पिछले दो घंटे से मैं इस वाली गाड़ी को माउंट चिलाड़ के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यार गाइस ये चढ़ नहीं रही है। अरे भाई गाड़ी इतनी नूबड़ी है, मुझे नीचे उतारो यार। नहीं नहीं चौप चढ़ेगी, हम लोग की गाड़ी चढ़ेगी, लेकिन जितना ये दिखने में ओपी है उतनी ये ओपी है नहीं। अरे भाई ओपी, हम लोग की गाड़ी चढ़ गई यार। फाइनली यार गाइस हम लोग की गाड़ी ऊपर आ चुकी है। अभी मैं इस वाली गाड़ी पे ब्रेक नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर तो मैंने यहाँ पे ब्रेक मार दी ना तो फिर ये वाली गाड़ी ऊपर जाएगी नहीं। लेकिन यार हमें सबसे पहले आप जंप करोगे, ठीक है सिंचन? अगर अभी हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ गए तो जंप तो पहले मैं ही करूंगा। अरे भाई फजूल में मारे जाओगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ यार। नहीं नहीं चौप, कुछ भी नहीं होगा, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर। सबसे पहले माउंट चिलाड़ से नीचे मैं जंप करूंगा, उसके बाद तू और फिर सिंचन। लेकिन यार हमें ये वाली मोटर बाइक कितनी ज्यादा ओपी है। मोटर बाइक तो मैं भी लेकर आ रहा था, लेकिन चौप ने बोला कि मुझे भी साथ में लेके चलो, इसलिए यार गाइस हम लोगों ने गाड़ी को यूज किया। अभी चौप फटाफट से नीचे आ जा, हम लोगों ने यहाँ से नीचे जंप करना है। अरे भाई मैं नहीं जंप करूंगा यार। ऐसे कैसे नहीं जंप करूंगा चौप, तूने बोला था कि तू माउंट चिलाड़ से नीचे जंप करेगा। अरे भाई मैं नहीं करूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। वैसे सिंचन चौप को ज्यादा ही डरपोक है। अरे हाँ हाँ मैं चौप को बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए सबसे पहले आप जंप करोगे। अच्छा लेकिन मेरे बाद तू जंप करेगा ना? अबे सिंचन मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मेरे बाद तू जंप करेगा या फिर नहीं? अरे नहीं यार हाँ मैं तो जंप नहीं करूंगा। ठीक है तो फिर मैं भी जंप नहीं करूंगा। अरे भाई फिर इतनी दूर हम लोग को क्यों लेकर आए हो यार? क्योंकि सिंचन और चौप तुम लोगों ने मुझे बोला था कि सबसे पहले मैं जंप करूंगा, उसके बाद सिंचन और फिर चौप जंप करेगा। अच्छा ठीक है अमित, सबसे पहले आप जंप करो, उसके बाद मैं और चौप जंप करेंगे। लेकिन सिंचन चौप तो गाड़ी से उतर ही नहीं रहा है। अरे भाई मुझे डर लग रहा है, मैं जंप नहीं करना ना, मैं कितनी दफा बताऊँ आपको यार। लेकिन चौप फिर तू हम लोग के साथ क्यों आया है? मैं तो बस आप लोगों को मरते हुए देखने के लिए आया था यार। अच्छा चलो ठीक है सिंचन, तू रेडी है ना? अरे नहीं यार हाँ मैं तो रेडी नहीं हूँ। ठीक है सिंचन तुझे मैं खुद ही रेडी कर लूंगा। अभी यार गाइस मुझे ये तो पता है कि अगर सबसे पहले मैंने नीचे जंप किया तो उसके बाद सिंचन जंप करेगा नहीं, तो मैं काम करता हूँ कि सिंचन को धक्का देता हूँ। हाँ भाई सिंचन एक सेकंड यहाँ पे खड़ा हो जा। लेकिन यार हाँ मुझे पता है कि आप मुझे नीचे धक्का दे दोगे, इसलिए सबसे पहले मैं आपको नीचे फेंक दूंगा। अबे सिंचन क्या कर रहा है? कुछ नहीं बस आपको माउंटेन से नीचे धक्का दे रहा हूँ। अबे गया सिंचन गया नीचे, मुझे नीचे धक्का दे रहा था बेचारा, खुद ही गिर गया। सिंचन तू ठीक तो है ना? अरे यार हमने बहुत ज्यादा चोट लग गई मुझे। तो तुझे किसने बोला था कि मुझे नीचे धक्का दे? अभी एक काम करके तू नीचे पड़ा रहे, मैं वापस से ऊपर जा रहा हूँ। मगर वेट 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 यार गाइस मैं भी फिसल गया। अबे चौप जल्दी से आके बचा ले मुझे। अबे यार गाइस सिंचन ऊपर रह गया, मैं नीचे गिर गया। काफी ज्यादा चोट लग गई, लेकिन गाइस लकीली मैं मरा नहीं। सिंचन तू ठीक है ना? अरे यार हमने मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपका मजा आया क्या? क्या घंटा मजा आया सिंचन, मेरी टांग सीधा जाके इस वाले पत्थर के ऊपर लगी है, अभी मुझसे सही से चला नहीं जा रहा है। ऊपर किस तरह जाएंगे हम लोग? चौप को बोल के गाड़ी को नीचे लेकर आए। लेकिन यार हमें चौप के पास तो मोबाइल फोन है ही नहीं, और चौप तो हम लोग की बात सुन भी नहीं पाएगा। अच्छा चल ठीक है, फिर हम लोग को ऊपर तो जाना होगा किसी तरीके से। काफी ज्यादा चोट लग गई, मैंने सोचा था कि जब मैं माउंट चिलाड़ के ऊपर से नीचे जंप करूंगा तो पैराशूट खोल लूंगा, लेकिन आएगा इस पैराशूट खोलने का तो टाइम मिला ही नहीं। पूरा का पूरा प्लान एक सेकंड में चौपट होकर रह गया है। अभी वापस से हम लोग को ऊपर जाना होगा। मेरी टांग में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे सही से चला नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ भी करके मुझे ऊपर तो जाना होगा। आई होप कि आएगा अभी मैं नीचे नहीं गिरूंगा, क्योंकि अगर तो मैं अभी नीचे गिर गया तो फिर आएगा इसमें बचूंगा नहीं। और आप लोग देख रहे हो कि पत्थर जा रहा नीचे की तरफ, काफी ज्यादा खतरनाक डेडली माउंटेन है। मगर फाइनली आ गए हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। लेकिन आ गए यहाँ पर एक और मजे की चीज है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस वाली चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठूं। ये वाली चेयर लिफ्ट भी आ गए काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन अभी ये आ नहीं रही है। एक काम करता हूँ कि चेयर लिफ्ट के आने का यहाँ पे वेट करता हूँ। और ये जो आप लोग जगह देख रहे हो गाइस, ये माउंट चिलाड़ का मैप है। माउंट चिलाड़ के ऊपर UFO भी गिरा हुआ है, और ये पता नहीं क्या चीज है, और ये मेरे ख्याल से सोने का अंडा है। अरे यार हाँ मैं चेयर लिफ्ट पे मैं ही बैठूंगा। गन तो अंदर का सिंचन, तेरे से बड़ी तो गन है। लेकिन यार हाँ मैं चेयर लिफ्ट कहाँ पर है? सिंचन बस आती होगी, मुझे तो अभी तक यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। काम करता हूँ कि नीचे जाके देखता हूँ। मगर सिंचन मेरे पास एक और प्लान है। लेकिन यार हमने अभी आपके पास कौन सा प्लान है? मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से नीचे जंप करूँ, पैराशूट तो है मेरे पास, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं मर जाऊँ। क्या बोलते हैं सिंचन? अरे यार हाँ मैं तो बोलता हूँ कि आप फटाफट से नीचे चले जाओ, मगर ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। मेरा पैराशूट भी ज्यादा नया नहीं है, लगभग एक दो साल पुराना होगा। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या चीज है? अरे यार हमने कहाँ पर? सिंचन वो सामने की तरफ देख, ये क्या है? मेरे ख्याल से ये कोई रैंप है। अबे हाँ यार गाइस ये तो रैंप है, और यहाँ से मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं, हेलीकॉप्टर तो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कोई चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं। सिंचन ये क्या चीज हो सकती है? अरे यार हम लोग को फटाफट से जाके देखना होगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से नीचे जंप करने वाला हूँ। पैराशूट नहीं खुल रहा। अबे यार गाइस पैराशूट नहीं खुल रहा क्या? लगता है कि अभी नहीं बचूंगा यार गाइस, काफी ज्यादा स्टीप है ये स्लोप। रुक जा रोकना होगा मुझे, अपने आप को रोकना होगा। गया यार गाइस आज नहीं बचूंगा, आज मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है। मुझे माउंट चिलाड़ के ऊपर आना ही नहीं चाहिए था, और मैं गया। अरे यार गाइस मुझे हामिद भाई कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे, लगता है
हामिद भैया मर गए क्योंकि उनका पैराशूट तो मैंने खुलते हुए देखे नहीं। एक काम करो तो क्या फटाफट से हामिद भैया के पास जाता हूँ। चलो जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे लगता है कि हामिद भैया मर गए। अरे सिंचन ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे हाँ ने आचो, मुझे लगता है कि हामिद भैया मर गए। हम लोगों को जल्दी से हामिद भैया को बचाने के लिए जाना होगा। लेकिन सिंचन मुझे तो गाड़ी नहीं चलाने आती यार। ठीक है चलो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे गाड़ी चलाना अच्छे से आती है। लेकिन सिंचन वो सब तो ठीक है, हामिद भैया है किधर यार? अरे आचो मैंने हामिद भैया को बोला था कि यहाँ से नीचे जंप नहीं करना, लेकिन हामिद भैया ने यहाँ से नीचे जंप कर लिया और उनका पैराशूट तो खुला ही नहीं। सिंचन हामिद भैया तो मर गए लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे भी मरवाओगे यार। अरे नहीं आचो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम लोग की ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा ओपी है, हम लोग को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सिंचन मुझे लगता है कि हम लोग फजूल में मारे जाएंगे, एक काम करोगे वापस घर चलते हैं यार। मगर आचो हम लोग हामिद भैया को इस हालत में छोड़ के यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, हम लोग को अपने हामिद भैया को बचाना होगा। सिंचन वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली गाड़ी भी टूटेगी, तुम मुझे भी मरवाओगे यार। चौपिया लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मगर हम लोग की गाड़ी तो रुक गई। अबे नूबड़े सिंचन ये तुमने गाड़ी का क्या हाल किया यार? हम लोग की तो पूरी की पूरी गाड़ी टूट गई, लेकिन चौप तुम ठीक तो हो ना? सिंचन मैं तो ठीक हूँ लेकिन हामिद भाई की गाड़ी फोड़ दी तुमने, लेकिन वो है कहाँ पर यार? पता नहीं चौप, लेकिन मुझे हामिद भाई को ढूंढना होगा, मुझे हामिद भाई की बहुत ज्यादा याद आ रही है, पता नहीं क्यों उनका पैराशूट तो खुला ही नहीं। अरे यार हामिद आप कहाँ पर हो? मैं सिंचन आपको बचाने के लिए आ चुका हूँ। अबे सिंचन यहाँ पर हूँ, फौरन से पहले यहाँ पर आ जा। अरे यार हामिद आप ठीक तो हो ना? अबे सिंचन क्या घंटा ठीक हूँ, मेरी टांग के ऊपर पत्थर गिर गया है। लेकिन यार हामिद अभी हम लोग आपको कैसे बचाएंगे? इस वाले पत्थर को हटाओ सिंचन, फौरन से पहले इस वाले पत्थर को हटा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन यार हामिद ये वाला पत्थर तो बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसको किस तरह हटाऊं? मार सिंचन कोई गोली वोली मार के इसको साइड पे कर। अबे यार सिंचन ये क्यों नहीं हट रहा है? अरे यार हामिद एक सेकंड यहीं पे रुको, मैं अभी गाड़ी से इसको टक्कर मारता हूं। सिंचन हामिद भाई का कुछ पता चला क्या यार? अरे हाँ ने चुप, हामिद भाई की टांग पत्थर में फंस गई। लेकिन सिंचन अभी तुम ये क्या कर रहे हो यार? अरे यार चुप, मुझे हामिद भाई को बचाना होगा। वो सब तो ठीक है लेकिन तुम गाड़ी को कहाँ पे लेके जा रहे हो यार? चुप तुम एक सेकंड बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे अपने हामिद भाई को बचाना होगा। हामिद भाई की टांग के ऊपर पत्थर गिर गया, पत्थर को हटाने के लिए मुझे इस वाली गाड़ी को यूज करना होगा। अबे सिंचन तुम क्या करने का सोच रहे हो यार? मुझे पता है चुप तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन यार चुप तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग को हामिद भैया को यहाँ से बचा के निकालना होगा। सिंचन वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं भी मारा जाऊंगा यार। अरे नहीं यार चुप, अभी तुम देखना कि मैं इन वाले पत्थरों को गाड़ी से टक्कर मारूंगा, फिर ये वाले पत्थर हट जाएंगे। मगर सिंचन मुझे लगता है कि हामिद भैया भी मर जाएंगे यार। अरे यार हामिद आप ठीक तो हो ना? क्या घंटा ठीक हूँ सिंचन, गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी तूने। लेकिन यार हामिद पत्थर तो हट गए, फौरन से पहले यहाँ पर आ जा। अरे यार हामिद आप ठीक तो हो ना? सिंचन कितना नुबड़ा प्लान बनाया था तूने, सीधा गाड़ी आके मुझे मार दी। अरे यार हामिद आपका तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तो तुझे किसने बोला था कि सिंचन टक्कर मार गाड़ी से मुझे? अरे यार हामिद मैं तो पत्थर को टक्कर मारी थी। माउंट चिलियार से नीचे गिर के तो नहीं मरा सिंचन, लेकिन तेरे प्लान्स की वजह से मर जाऊंगा। तो फिर यार हामिद आप ही मुझे बताओ कि मैं आपको किस तरह बचाऊं? इस वाले पत्थर को लाते मार सिंचन ये हट जाएगा। मगर यार हामिद ये वाला पत्थर बहुत ज्यादा भारी है। मार सिंचन कोई गोलियां वोलियां मार, इस वाले पत्थर को निकाल यहां से। अरे यार हामिद पत्थर हिलेंगे सिंचन, ये पत्थर हिलेंगे, फटाफट से इनको ढेर सारी गोलियां मार। अरे यार हामिद मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? अरे यार हामिद मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकूंगा। मारेगा सिंचन तू मुझे मारेगा। एक काम करके गाड़ी को वापस से ऊपर लेकर आ और सीधा आके इस वाले पत्थर के ऊपर टक्कर मारी वाला पत्थर हट जाएगा। अच्छा ठीक है हामिद, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे यार हामिद अब रेडी हो जाओ, मैं पत्थर को टक्कर मारने वाला हूँ। सिंचन टक्कर मार, लेकिन देख के टक्कर मार, ये क्या कर रहे? आगे निकल गया तू। मगर यार हामिद मैं क्या करूँ, आपकी गाड़ी इतनी ज्यादा नुकड़ी है। सिंचन अभी जो भी है हम लोग के पास यही है, तू बिल्कुल सही से टक्कर मार पत्थर को, उसके बाद ये वाला पत्थर हिल जाएगा। लेकिन यार हामिद ये वाला पत्थर तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ कर सिंचन नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर काफी ज्यादा वजन आ चुका है। सिंचन फटाफट से इन वाले पत्थरों को हटा यहाँ से। अच्छा ठीक है हामिद भैया, आप एक सेकंड यहीं पे रुको। अबे सिंचन अभी तुम कहाँ पे जा रहे हो यार? अरे अच्छा तुम एक सेकंड बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सिंचन डर नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा, तुमने ये वाली गाड़ी भी फोड़ दी, लगता है कि अभी हम सब लोग मर जाएंगे यार। अरे नहीं अच्छा बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम लोग को कुछ भी नहीं होगा, हम लोग हामिद भैया को बचा के यहाँ से जाएंगे। सिंचन वो तो ठीक है लेकिन गाड़ी का तुमने बहुत ही बुरा हाल कर दिया। चौपिया लगता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, हम लोग की गाड़ी तो फंस गई। अभी बताओ सिंचन हम लोग कैसे वापस ऊपर जाएंगे यार? अरे अच्छा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दो टांगे हैं, तुम्हारे पास चार टांगे, हम लोग टांगों से चल के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन सिंचन हामिद भैया को किस तरह बचाएंगे यार? अरे अच्छा हामिद भैया को बचाने के लिए तो हम लोग को इस वाली गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो फिर सिंचन क्या कर रहे हो, फौरन से पहले इस वाली गाड़ी को बाहर निकालो ना यार। अरे अच्छा अब लगता है कि हम लोग की गाड़ी निकल गई। सिंचन रोक गाड़ी को यहीं पे रोक दे, गाड़ी को प्लीज यहीं पे रोक दे। वे क्या कर रहा है सिंचन, क्या कर रहा है, मार देगा तू मुझे। मुझे लगता है कि यार गाइस सिंचन ही मुझे मार देगा। लेकिन फाइनली यार गाइस इन लोगों ने मेरे ऊपर से पत्थर हटा दिए। हाँ भाई सिंचन और चुप तुम लोग ठीक हो क्या? अरे यार हम लोग तो बिल्कुल ठीक है। चलो सिंचन फौरन से पहले यहाँ से वापस चलो। लोग बिल्कुल ठीक बोलते हैं, इसका नाम माउंट चिलार नहीं बल्कि किलर माउंटेन है। फौरन से पहले गाड़ी के अंदर बैठो, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यार हम लोगों ने आसमान में एक चीज देखी थी, उस चीज के पास हम लोग बाद में जाएंगे। लेकिन सिंचन इस गाड़ी का तूने क्या हाल किया है? अरे यार हमने मैंने तो इस वाली गाड़ी को तोड़ दिया। चलती तो है ना। अरे यार हमने क्या घंटा चलेगी, गाड़ी की कंडीशन देखो यार। अबे यार सिंचन तूने गाड़ी बिल्कुल ही खराब कर दी है, मुझे कुछ ना कुछ करके इस वाली
गाड़ी को ऊपर लेके जाना होगा। अरे बस जा रही है, हम लोग की गाड़ी धीरे धीरे ऊपर जा रही है यार। अभी तक तो जा रही है चौप, लेकिन माउंट चिलियाड काफी ज्यादा स्टीप है, पता नहीं हम लोग सही सलामत यहाँ से बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं। एक दफा अगर मैं माउंट चिलियाड से बच के निकल गया उसके बाद मैं दोबारा तो यहाँ पे कभी भी नहीं आने वाला हूँ। लेकिन नीचे गिरने से पहले मैंने आसमान में एक चीज देखी थी और वो रही, ये क्या चीज है चौप? हमें मुझे लगता है कि कोई ना कोई चैलेंज है यार लॉस सैंटोस के अंदर, चैलेंज और हम लोग को पता नहीं चला, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई क्योंकि हम लोग अपने चैलेंज कर रहे थे ना यार। अपने चैलेंज तो यार चौप हम लोग के कुछ ज्यादा ही बुरे रहे हैं, लेकिन सामने वाले चैलेंज में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अबे यार गाइस ये क्या हुआ? अरे यहाँ हमने आप लड़की को गाड़ी के नीचे दे दिया। पता नहीं सिंचन जिंदा भी होगी या फिर मर गई होगी। इसको किसने बोला था कि मेरी गाड़ी के सामने आए? मगर वेट, यहाँ पे तो माउंटेन लाइन भी है, इतनी खतरनाक जगह पे यार गाइस लोग हाइकिंग करने के लिए आते हैं। अब आप लोग बताओ मरेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सामने क्या चीज है यार? चौप यार मैं भी कब से यही देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से लॉस सैंटोस के अंदर कोई चैलेंज ऑर्गेनाइज हुआ है, लेकिन चैलेंज तक जाने के लिए हम लोग को कोई ना कोई हेलीकॉप्टर वगैरह चाहिए होगा। अरे मैं तो बोलता हूँ कि सीधा घर चलते हैं यार। चौप यार पूरी की पूरी गाड़ी मेरी टूट गई है, इतने प्यार से मैंने इस वाली गाड़ी को परचेज किया था, ये सारी की सारी मस्ती सिंचन की है। अरे यार हाँ आप शुक्र करो कि आप बच गए, अगर आप मर जाते तो फिर आप क्या करते? सिंचन अगर मर जाता तो फिर मैं क्या ही कर सकता था? तो फिर यार हमने आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई। जान तो सिंचन तूने मेरी बचाई है, लेकिन तूने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था। इतना ज्यादा मुझे पत्थर ने डैमेज नहीं किया था जितना तेरी गाड़ी ने मुझे डैमेज कर दिया। नूबड़े तूने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी थी, लेकिन यार हमने मैंने फिर भी आपको बचा लिया था। बचा तो लिया था सिंचन, लेकिन अभी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, इस वाली गाड़ी की कंडीशन तूने कुछ ज्यादा ही बुरी कर दी है। अरे भाई कोई बात नहीं, हम लोग नई गाड़ी परचेज करेंगे यार। कहाँ से परचेज करेंगे चौप? पैसे हैं क्या तेरे पास? अरे भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, आपके पास तो होंगे ना यार? नहीं है चौप, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, सारे के सारे पैसों की मैंने ये वाली गाड़ी परचेज की थी और सोचा था कि माउंट चिलियाड से नीचे जंप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। अरे भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपने बनाया ना यार? क्या घंटा बनाया चौप, नीचे गिर के मर गया था और एक सेकंड गए हम लोग। मुझे लगता है कि अभी हम लोग के बचने का चांस हो चुका है बिल्कुल जीरो। चौप संभल के बैठ। अरे भाई मैं तो संभल के बैठ रहा हूँ, गाड़ी को ब्रेक मारो यार। रुक गई अबे हार गाइस, गाड़ी रुक गई। अभी तो इस वाली गाड़ी की ब्रेक्स भी काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं सामने चैलेंज वाली जगह के ऊपर जाऊँ, बट अभी वहाँ तक जाने के लिए मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए होगा और हेलीकॉप्टर तो यहाँ कहीं पे है नहीं। एक काम करता हूँ कि गाड़ी को यहाँ से नीचे उतारता हूँ, उसके बाद सीधा जाता हूँ लॉस सैंटोस के विलेज के एयरपोर्ट के अंदर और फिर वहाँ पे हम लोग को कोई ना कोई हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। अरे भाई हेलीकॉप्टर तो मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी को क्यों हेलीकॉप्टर बना रहे हो यार? बच गए चौप, देख हम लोग बच गए ना। लेकिन यार हमें मुझे लगता है कि आज हम लोग ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। बचेंगे बचेंगे सिंचन, देख काली वाली गाड़ी हम लोग के लिए आ चुकी है। अभी एक काम करते हैं कि फटाफट से इस वाली गाड़ी के अंदर बैठते हैं। हाँ भाई मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए होगी। अबे चोर कहीं के, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? नहीं मुझे तो नहीं पता। रुक फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अबे यार गाइस ये फाइट करने के मूड में, सिंचन गोली मार इसको। अरे यार हाँ मैंने इसको मार दिया। लेकिन सिंचन मुंह पे गोली मारने को नहीं बोला था तुझे मैंने। लेकिन यार हाँ ये आपके ऊपर अटैक कर रहा था। अंदर का सिंचन गन को गायब कर। अच्छा ठीक है अमित, मैंने गन को फेंक दिया। सिंचन के हाथ में मुझे गन देनी नहीं चाहिए थी। अभी कौन सी वाली गाड़ी उठाए? मेरे ख्याल से तो ये ब्लैक वाली गाड़ी ठीक है। सिंचन और चौप अगर तुम लोग को रास्ते में कहीं पे हेलीकॉप्टर दिखे तो मुझे बताना। अरे भाई आप हेलीकॉप्टर से कम हो गए यार। अबे नहीं यार चौप, असल वाला हेलीकॉप्टर। अरे भाई आप भी तो हेलीकॉप्टर हो ना यार। अबे यार चौप मैं हेलीकॉप्टर नहीं हूँ, मैं हामिटी हूँ। मुझे अभी ऊपर की तरफ जाना है चौप। मुझे लगता है कि ये वाला चैलेंज काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन ऊपर जाने के लिए हम लोग को पानी क्रॉस करना होगा। लेकिन यार हमें पीछे एक ब्रिज आता है। हाँ पीछे एक ब्रिज भी आता है। काम करता हूँ कि फटाफट से ब्रिज से जाता हूँ दूसरी साइड पे, और जैसे हम लोग दूसरी साइड पे जाएंगे तो हम लोग को एयरपोर्ट मिल जाएगा और फिर एयरपोर्ट के तहत हम लोग को हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग के पास दूसरी ऑप्शन है पानी से जाने की। अभी अगर हम लोग पानी से जाएंगे तो फिर हम लोग को बोट चाहिए होगी, फिर बोट के ऊपर हम लोग अपनी ये वाली गाड़ी डालेंगे, फिर हम लोग जाएंगे पानी से दूसरी तरफ जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि सीधा चलते हैं सामने वाले ब्रिज के ऊपर, ये वाला शॉर्टकट यार गाइस बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यार गाइस फाइनली हम लोगों ने पानी तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी हम लोग को जाना होगा विलेज के एयरपोर्ट के अंदर और वहाँ पे हम लोग को मिलेगा हेलीकॉप्टर। लेकिन ये सब कुछ भी चांस पे कि हम लोग को हेलीकॉप्टर मिलेगा भी यहाँ पे नहीं, क्योंकि लॉस सैंटोस के विलेज का एयरपोर्ट हर वक्त खाली होता है। मगर एक सेकेंड चौप, ये कौन सी जगह है? अरे भाई ये वाली जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी है। नहीं जगह तो चौप मैंने देखी है पहले, लेकिन ये मुझे कोई स्क्रैप यार्ड लग रहा है। अरे हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये कोई ना कोई स्क्रैप यार्ड है। मगर अभी हम लोग को तो कोई भी स्क्रैप नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए हेलीकॉप्टर। लेकिन यार हमने मैं तो नीचे गिर गया। अबे सिंचन तू ठीक तो है ना? अरे यार हमने मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई, मुझे प्लीज उठा के गाड़ी के अंदर रखो। क्या करते हो सिंचन और चौप, तुम लोग को कौन बोलता है कि पीछे बैठो? अभी रुक जा मैं तुझे उठा के
बिठाता हूँ गाड़ी के अंदर। अभी सिंचन तुझे गाड़ी के अंदर बैठना होगा। लेकिन यार हमें पीछे बैठ के बहुत ज्यादा मजा आता है। दोबारा गिरेगा सिंचन, अभी अगर तू दोबारा गिर गया तो फिर मैं तुझे उठाने के लिए नहीं आऊंगा। अभी पता नहीं हम लोग की ये वाली गाड़ी पानी को क्रॉस करेगी या फिर नहीं। कर रही है हो गया। अबे यार गाइस पानी क्रॉस हो गया, सिंचन बैठा हुआ है। मुझे लगा था कि सिंचन पानी में डूब गया होगा, लेकिन फाइनली यार गाइस हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए हैं। और वेट 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 सिंचन तू ठीक है ना? अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो पता नहीं क्यों तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो, लेकिन एक सेकंड हेलीकॉप्टर को छोड़ो, हम लोग को यहाँ पे एरोप्लेन दिखाई दे रहा है। अरे भाई एरोप्लेन तो ओपी है यार। ये ओपी है चौप, क्या ओपी है इसके अंदर? अरे भाई इसका कलर ओपी है ना, रेड कलर का यार। अच्छा चल ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग को ये वाला एरोप्लेन मिल गया और हम लोग को क्या चाहिए, फटाफट से इस वाले एरोप्लेन को मुझे ऊपर लेके जाना होगा। ये वाला चैलेंज आ गया है, दिखने में काफी ज्यादा अजीबो गरीब है। यहाँ से सीधा सीधा ट्रैक आ रहा है सामने की तरफ और फिर यहाँ पे बीच में खाली जगह है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे एक और ट्रैक बना हुआ है। चैलेंज तो मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, तो एक काम करता हूँ कि फटाफट से सबसे पहले इस वाले एरोप्लेन के अंदर बैठता हूँ। अभी पता नहीं इस वाले एरोप्लेन की रेंज कितनी होगी। लेकिन अब ये गाड़ी वाला क्या कर रहा है? अरे भाई लगता है कि ये वाला एरोप्लेन इस गाड़ी वाले का यार। अबे नहीं यार चौप, ये वाला एरोप्लेन हम लोग का है। ये गाड़ी वाला किधर से बीच में आ गया, मुझे इसको टक्कर मारनी होगी। बल्कि एक सेकंड, ये गाड़ी वाला नहीं बल्कि गाड़ी वाली है, गोली मारता हूँ इसको। मैं गोली मारूंगा तो फिर यहाँ से निकलेगी। अभी चौप तू मुझे ये बता कि ये वाला एरोप्लेन टेक ऑफ किधर से करेगा? अरे भाई यहाँ से टेक ऑफ करो इसको यार। ठीक है मैं इसको टेक ऑफ करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन पता नहीं यार चौप ये कब टेक ऑफ करेगा। साइज में तो काफी ज्यादा बड़ा है और उड़ गया, हम लोग का एरोप्लेन उड़ गया। अरे यार हमें ये तो हेलीकॉप्टर है। अच्छा खैर जो भी है, अभी फिलहाल हम लोग को ऊपर जाना होगा और इस पर जहाज की ज्यादा रेंज नहीं है। हाँ वैसे आकाश ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट चैलेंज वाली जगह के ऊपर तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब ये वाला जहाज ऊपर जाएगा किस तरह, क्या करूं इसका मैं? अरे मैं इसको ऊपर लेके जाऊं यार। ऊपर तो यार चौप में लेके जा रहा हूं, लेकिन ये ऊपर जा नहीं रहा है। कि आप यार गाइस हम लोग का एरोप्लेन क्रैश करेगा। एक काम करता हूं कि धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाता हूं, क्योंकि एरोप्लेन को फ्लाई करने की भी एक टेक्निक होती है। मुझे इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना होगा। और लगता है कि यार गाइस हम लोग पहुंच गए, मगर नहीं, हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन फिर एंड में हम लोग के जहाज को पता नहीं क्या हो गया और अभी धीरे धीरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे मैं सही से उड़ाओ इसको यार। मैं तो सही से उड़ा रहा हूँ चौप, मगर ये सही से खुद नहीं उड़ रहा है। और अभी हम लोग पहुंच जाएंगे, मगर वेट, अभी मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे यहाँ से सीधा सीधा सामने की तरफ जाना है और अभी मुझे यहाँ से टर्न करना है। जैसे ही टर्न करूंगा सीधा चैलेंज वाली जगह के ऊपर लैंड करूंगा। हम लोग के एरोप्लेन ने टर्न तो कर लिया है, अभी बस मुझे इसको लैंड करना है। आई होप कि यार गाइस हम लोग की लैंडिंग ओपी होगी, लैंडिंग ओपी करनी होगी हम लोग को। मगर वेट, जहाज फट गया। सिंचन और चौप तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे यार हम लोग तो ऊपर गिर गए। चलो ये तो अच्छा है कि तुम लोग ऊपर गिर गए, मेरे पास तो पैराशूट था। अभी मुझे यहाँ से पैराशूट को खोलना होगा, लेकिन यार गाइस जहाज कुछ ज्यादा ही नुबड़ा था। अभी वापस ऊपर कैसे जाऊंगा? सिंचन और चौप तो ऊपर ही रह गए और मैं नीचे गिर गया। मगर यार गाइस मैं एक बात सोच रहा हूँ, ऊपर काफी ज्यादा लोग चैलेंज को पार्टिसिपेट करने के लिए खड़े हुए थे। ब्लास्ट तो ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे, कितने बच्चे होंगे। वापस से ऊपर जाके देखना होगा। अभी यहाँ कहीं पे एरोप्लेन मिल गया, एरोप्लेन तो बिल्कुल सामने की तरफ खड़ा हुआ है। बट यार गाइस यहाँ पे एक छोटा सा हेलीपैड भी होता है और छोटे से हेलीपैड में छोटा सा हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। तो एक काम करता हूँ कि फटाफट से इसको लेके ऊपर निकलता हूँ। साइज में तो बहुत छोटा है और ये तो एक बंदे वाला हेलीकॉप्टर है। ओपी है यार गाइस, दिखने में तो ओपी है, लेकिन अभी पता नहीं उड़ने में किस तरह का होगा। ठीक है ये ऊपर तो जा रहा है, इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना है। सिंचन और चौप ने बोला था कि वो लोग ऊपर ही रह गए हैं, मगर ब्लास्ट ऊपर जाकर इसका काफी ज्यादा खतरनाक हुआ है। पता नहीं ऊपर वाले लोग बच्चे भी होंगे या फिर नहीं, लेकिन ऊपर मैंने देखा था कि काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई थी और साथ में एक कार को हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है, जो कि मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी फौरन से पहले मुझे ऊपर जाके देखना होगा कि सिंचन और चौप किधर है। हम लोग का एरोप्लेन क्रैश तो बहुत गंदे तरीके से हुआ था, आई होप कि यार गाइस हेलीकॉप्टर नहीं क्रैश होगा। मुझे फौरन से पहले उतरना होगा इससे पहले कि ये भी क्रैश हो जाए। अबे नहीं 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 फंस गया मैं, निकल गया फाइनली यार गाइस मैं निकल गया। और आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैं हेलीकॉप्टर से बाहर निकला हेलीकॉप्टर फट गया। लेकिन अभी मुझे फटाफट से सिंचन और चौप को देखने है, मगर वेट, एक गाड़ी यहाँ पे फट गई और तीन लोग मर गए बेचारे। और मुझे पता है कि जब मेरा एरोप्लेन यहाँ पे क्रैश हुआ था ये बेचारे तभी मरे हैं। हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था लेकिन हम लोग बच गए। सिंचन और चौप तुम लोग कहाँ पर हो? अरे यार हम लोग यहाँ पर है, जल्दी से यहाँ पे आके हम लोग को बचा लो। हाँ सिंचन मैं आ रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ मेटी मैं तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चाचा जी क्या हाल है, आप दोबारा मिल गए मुझे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि लॉस सैंटोस के अंदर आपने इतना बड़ा चैलेंज ऑर्गेनाइज किया और मुझे नहीं बताया। क्योंकि तुम हर दफा आके चैलेंज को जीत के चले जाते हो। हाँ
बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सिंचन और चॉप को यहाँ पे तुमने क्यों खड़ा कर दिया और पीछे गन वाले बंदे क्या कर रहे हैं? अबे हामिटी, यहाँ पे जो तुम्हें गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? ये लोग गाड़ियाँ लेकर यहाँ पे क्यों खड़े हुए? एक सेकंड रुको, पूछ के आता हूँ। अबे वापस आओ। हाँ क्या हुआ? ये सब लोग यहाँ पे चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर आए हैं, और फिर एकदम से तुम नूबड़े एरोप्लेन पे यहाँ पे आके टपक पड़े। एक बंदा मर गया। नहीं, वो क्या है ना कि बंदे तीन मरे, गाड़ी एक फटी है। नुकसान कौन पूरा करेगा? किसका नुकसान, गाड़ी का या फिर बंदों का? अबे मेरा दिमाग मत पकाओ, तुमने मेरे तीन पार्टिसिपेंट्स को मार दिया और एक गाड़ी भी फोड़ दी। नुकसान कौन पूरा करेगा? नुकसान को छोड़ो, मुझे बताओ कि चैलेंज कौन सा है। मैं यहाँ पे तुम्हारे चैलेंज को क्लियर करने के लिए आया हूँ। सिंचन और चॉप को तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मैंने चैलेंज को क्लियर किया तब तो तुम छोड़ दोगे ना? लेकिन हामिटी, ये कोई ऐसा वैसा चैलेंज नहीं है। अभी तक तुमने जितने भी चैलेंजेस को क्लियर किया वो सब बहुत आसान थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक चैलेंज है। नीचे गिरे तो मर जाओगे। तुम्हें क्या पता कि मैं कहां कहां से नीचे गिर के यहां पर पहुंचा हूं? मुझे बताओ कि मैंने करना क्या है। तुमने बस सामने से जंप लगा के दूसरी साइड पे जाना है। बस इतनी सी बात, जंप लगा के दूसरी साइड पे जाना है? इससे ज्यादा आसान मिशन क्या ही होगा? तुम्हारे पास सिर्फ 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस यानी कि 5 गाड़ियां मुझे चाहिए होंगी, ठीक है? और कुछ जानना है क्या? हां, सबसे ज्यादा काम की बात तो तुमने बताई नहीं कि हम लोग को सरप्राइज कौन सा मिलेगा। सरप्राइज में तुम्हें एक गोल्ड का फाइटर जेट मिलेगा, साथ में गोल्ड का हेलीकॉप्टर मिलेगा और 4 गोल्ड की दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कार्स मिलेंगी। क्या बोला तुमने? सोने का हेलीकॉप्टर, सोने का एरोप्लेन, सोने की 4 गाड़ियां? कोई ऐसी वैसी गाड़ियां नहीं है, दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कार्स हैं। दुनिया की फास्टेस्ट कार्स, स्पीड कितनी है उनकी? एक गाड़ी की स्पीड 4000, दूसरी की 5000, तीसरी की 3000, चौथी की 2000। अच्छा, मतलब 2, 3, 4, 5000 स्पीड वाली गाड़ी भी है क्या? हाँ बिल्कुल, 5000 स्पीड वाली भी गाड़ी है, लेकिन तुम सिर्फ 4 में से 2 गाड़ियों को चूज करोगे। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि उन 4 गाड़ियों में से 5000 स्पीड वाली गाड़ी कौन सी है? अभी देखो, ये तो तुम्हारी किस्मत है, लेकिन गाड़ियां तुम 4 में से सिर्फ 2 चूज करोगे। अच्छा, और हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन तो मुझे मिलेगा ना? हाँ, वो तो तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आज मुझे गोल्ड का एरोप्लेन, गोल्ड का हेलीकॉप्टर और साथ में 2 गोल्ड की सुपर कार्स मिलेंगी। और चाचा जी बोल रहा है कि ये कोई ऐसी वैसी सुपर कार्स नहीं है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कार्स है। मगर ये लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं क्या? दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। काम करता हूँ कि इसकी गाड़ी को लेके जाता हूँ। अबे मेरी गाड़ी को छोड़। हाँ क्या हुआ, बस सामने जाके देख रहा हूँ कि कितना लंबा जंप है। अपनी गाड़ी लेकर आ, मैं खुद पार्टिसिपेट करूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि किसी ने अभी तक इस बार जंप को क्लियर किया है क्या? अभी तक तो किसी ने भी क्लियर नहीं किया, लेकिन 100 लोग बेचारा यहाँ पे मारे गए हैं। 100 लोग मारे गए? हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है ये वाला चैलेंज इतना आसान है? तुम मुझे प्लीज 1 सेकंड अपनी गाड़ी दे दो, मैं सामने जाके चैलेंज को देखे तो मैं तुम्हारी गाड़ी वापस कर दूंगा। चलो ठीक है, ले जाओ लेकिन संभाल के। हाँ ठीक है, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। गाड़ी तो यार गाइस हम लोग को मिल चुकी है, लेकिन 1 सेकंड, मेरे पास एक प्लान है। चाचा जी आप मुझे ये बताओ कि मेरे पास चांसेस कितने हैं? हाँ बेटी, तुम्हारे पास टोटल 5 चांसेस हैं। अच्छा ठीक है, मैं पहले ये वाली गाड़ी चूज कर रहा हूँ। लेकिन ये तो मेरे दूसरे पार्टिसिपेंट की है। अभी वो मेरा और उसका मसला है। ठीक है हामिटी, तुम्हारा पहला चांस स्टार्ट होता है अभी। अभी यार गाइस मुझे फौरन से पहले सामने जंप की तरफ जाना होगा। पीछे वाले बंदे को मैंने बताया नहीं कि मैं उसकी गाड़ी को क्यों यूज कर रहा हूँ, मगर ये वाली जंप दिखने में तो यार गाइस काफी ज्यादा ऊंची लग रही है। मुझे बस किसी तरीके से सामने की तरफ जाना है, मगर वेट गई। अबे यार गाइस गाड़ी गई, मेरे पास पैराशूट है तो सही। फौरन से पहले यहाँ से जंप करके पैराशूट को खोलता हूँ। खुल जा, खुल गया यार गाइस, हम लोग का पैराशूट खुल गया है। चाचा जी को लगा था कि मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरे पास पैराशूट भी है। मगर मेरा एक चांस वेस्ट हो चुका है, अभी पीछे मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 चांसेस। और 4 चांसेस का मतलब है कि मुझे लॉस सैंटोस की 4 सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कार चाहिए जो कि इस ऊपर वाले जंप को क्लियर कर सके। एक काम करता हूँ कि फटाफट से सिमियन को कॉल करता हूँ। लॉस सैंटोस की फास्टेस्ट सुपर कार तो मुझे सिमियन के पास ही मिलेंगी। हाँ सिमियन, क्या हाल है? हाँ मेटी, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा सिमियन, वो बात ऐसी है कि मुझे 4 गाड़ियां चाहिए। ठीक है हाँ मेटी, मिल जाएंगी, लेकिन वो 4 गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए जो कि जंप लगा सके। हैं, जंप लगा सके? हाँ सिमियन, 4 गाड़ियां ऐसी चाहिए जो कि लंबी सी जंप लगा सके। अच्छा ठीक है, आ जाओ मैं बंदोबस्त करता हूँ। मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। गाड़ियों का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन सिमियन तक जाने के लिए भी तो मुझे कोई ना कोई गाड़ी चाहिए होगी। मगर रनवे पे सामने एक एरोप्लेन खड़ा हुआ था, अगर तो मैं गाड़ी से गया तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूँ कि एरोप्लेन को लेके जाता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर फ्यूल होगा या फिर नहीं, ये हवा में उड़ेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल से यार गाइस एक ही जगह पे खड़ा हुआ होता है और मैंने आज तक कभी इसको फ्लाई नहीं किया है। पता नहीं ये फ्लाई करेगा भी या फिर नहीं। रनवे तो काफी ज्यादा बड़ा है, इस वाले एरोप्लेन को फ्लाई तो करना चाहिए। फटाफट से इसके अंदर बैठ के ट्राई करता हूँ। मगर वेट, ये क्या हुआ? अरे यार गाइस ये क्या चीज है? जैसे ही मैं इसके करीब गया ये वाला एरोप्लेन फट गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अरे यार गाइस, एक ही तो चांस था मेरे पास, ये वाला एरोप्लेन कैसे फट सकता है? एक नंबर का नूबड़ा एरोप्लेन है।
अभी मुझे फटाफट से यहाँ से क्विनो की गाड़ी चुरानी होगी और गाड़ी मुझे बाहर रोड से मिल जाएगी। एक जीप सामने की तरफ जा तो रही है, मगर वेट यार गाइस, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है जो कि कुछ ज्यादा ही नुबड़ी है। अंदर वाली साइड पे देखता हूँ तो यहाँ पे एक ब्लैक वाली जीप खड़ी है। मेरे ख्याल से तो ये वाली जीप ठीक रहेगी। फटाफट से इसके अंदर बैठ के सिमियन के पास जाता हूँ। सिंचन और चॉप भी बेचारे ऊपर ही रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं आएगा, सिंचन और चॉप को तो मैं बचा लूंगा, मगर उन लोगों को बचाने के लिए मुझे चैलेंज को क्लियर करना है और चैलेंज को क्लियर करने के लिए मुझे 4 सबसे ज्यादा ओपी गाड़ियां चाहिए जो कि जंप कर सकती हूं। तो अभी हम लोग का जीना मरना तो सिमियन के हाथ में लिखा है। अभी अगर सिमियन ने मुझे ओपी गाड़ियां दी फिर तो यार गाइस हम लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर सिमियन की गाड़ियां ओपी नहीं हुई तो फिर यार गाइस हम लोग को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। एक काम करता हूं कि दोबारा सिमियन को बता देता हूं कि गाड़ियां मुझे ओपी चाहिए। हां मेटी, कहां पे पहुंचे? सिमियन, मैं बस एक मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। गाड़ियों का बंदोबस्त हो गया क्या? हां मेटी, गाड़ियां तो लेकर आ गया हूं, 4 गाड़ियां लेकर आया हूं। ठीक है सिमियन, मैं आके चेक करता हूं। सिमियन बोल रहा है कि वो 4 गाड़ियां तो लेकर आ गया है। अभी पता नहीं वो 4 गाड़ियां कौन सी होंगी, लेकिन अगर एक दफा मैंने चैलेंज क्लियर कर लिया तो मुझे गोल्ड का हेलीकॉप्टर, गोल्ड का एरोप्लेन और साथ में 2 गोल्ड की गाड़ियां भी मिलेंगी। इससे ज्यादा हम लोग को क्या ही चाहिए होगा। मुझे जल्दी से सिमियन के पास जाना होगा। इस वाली गाड़ी की स्पीड भी तो ज्यादा तेज नहीं है, 150 से ऊपर तो ये जाती नहीं है, मगर अभी फ्री में तो हम लोग को यही मिलेगा। हम लोग ऑलमोस्ट लॉस सैंटोस सिटी के अंदर पहुंच गए हैं और अभी धीरे धीरे हम लोग की गाड़ी स्पीड पकड़ रही है। शुरू में तो इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, मगर क्या है धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ रही है। मुझे यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। वो जो सामने आप लोग को टूटी हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल इसी के नीचे सिमियन का शोरूम है। और अभी बगैर अपनी गाड़ी को क्रैश किए हुए मुझे सिमियन के पास जाना है, लेकिन गाइस मैं एक बात सोच रहा हूँ, 4 गाड़ियों को मैं एक साथ लेके किस तरह जाऊंगा? ये बात तो थोड़ी सी सोचने वाली है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग सिमियन के शोरूम पे तो पहुंच गए हैं और ये वाली गाड़ी भी ठुक गई, लेकिन लकीली यार गाइस मैं बच गया हूँ। अभी फौरन से पहले सिमियन के पास जाके देखता हूँ कि इसके पास कौन सी गाड़ी है। अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ यहाँ पर और जाके देखता हूँ कि सिमियन ने कौन सी गाड़ियों का बंदोबस्त किया है। मगर वेट, ये वाली गाड़ी तो यार गाइस कुछ ज्यादा ही ओपी है और इस तरह की गाड़ी मैंने पहले लॉस सैंटोस के अंदर देखी नहीं है। मानना पड़ेगा सिमियन ने गाड़ियां तो बहुत ज्यादा ओपी अरेंज की है, लेकिन इन वाली गाड़ियों के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। पैसे है नहीं, मगर एक सेकेंड, ये क्या चीज है? इस तरह का ट्रक मैंने पहले कभी नहीं देखा। सिमियन, ये वाली गाड़ियां कहां से लेकर आए हो? हाँ मेटी, तुमने बोला था कि गाड़ियों को जंप कराना है, इसलिए सारी की सारी जंपिंग वाली गाड़ियां लेकर आया हूँ, लेकिन इस वाली गाड़ी में क्या खास बात है? हाँ मेटी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ दिखाई तो दे रहा है, साइज में कुछ ज्यादा ही ऊंची है और इसके पहिए भी कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। हाँ मेटी, ऐसी जंप मारेगी कि तुम देखते रह जाओगे। ठीक है सिमियन, यही तो मुझे चाहिए था, लेकिन ये स्टिकर्स भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ मेटी, दुनिया की सबसे ज्यादा ओपी जंपिंग मशीन है। अच्छा ये तो ठीक है, मगर इस वाली गाड़ी में क्या कमाल है? यहाँ पे इसकी बैक साइड पे देखो। सिमियन, ये तो जेट इंजन है। हाँ ना, हाँ मेटी, इसकी स्पीड बहुत तेज है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जंप करने के लिए कोई रैंप तो है ना? हाँ हाँ, छोटा सा रैंप बना तो हुआ है। ठीक है फिर, हाँ मेटी ये वाली गाड़ी क्लियर कर लेगी। और ये वाली गाड़ी? हाँ मेटी, ये तो कर ही लेगी। अच्छा और ये ग्रीन वाली गाड़ी? हाँ मेटी, मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल कर लेगी। अच्छा और ये व्हाइट वाली गाड़ी? अभी हाँ मेटी, अगर इसने भी क्लियर नहीं किया तो मेरे शोरूम को चला देना। क्या बात कर रहे हो सिमियन, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है क्या? हाँ मेटी, बता रहा हूँ सारी की सारी लिमिटेड एडिशन वाली गाड़ियां हैं। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन सिमियन ये है कितने की? एक गाड़ी 100 करोड़ की, 4 गाड़ियां 400 करोड़ की। अबे 400 करोड़, चलो ठीक है, मैं अभी ये वाली गाड़ियां लेके जा रहा हूँ और अगर मेरा काम हो गया तो फिर मैं तुम्हें एक गोल्ड की गाड़ी दूंगा। अच्छा लेकिन गोल्ड रियल होगा ना? हाँ सिमियन, 100% रियल गोल्ड होगा। चलो ठीक है आमेटी, ले जाओ। मगर लेके किस तरह जाऊंगा? ये वाली गाड़ियां अभी अभी मैंने सामने वाले ट्रक से उतार के यहाँ पे खड़ी की है, तुम वापस से सामने वाले ट्रक के ऊपर चढ़ा के ले जाओ। ठीक है सिमियन, मैं अभी लेके जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ट्रक को खोल के सीधा करके खड़ा करना होगा ताकि मुझे अपनी गाड़ियां इसके अंदर खड़ी करने में आसानी हो। सबसे पहले ट्रक को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और अभी मुझे यहाँ से इसको रिवर्स करना होगा। ट्रक चलाना यार गाइस काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और वेट वेट वेट, मुझे इसको आगे लेके जाना है इससे पहले कि सिमियन का शोरूम फट जाए। अभी ये वाली जगह ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा मुझे इसको रिवर्स करना है, ना लेफ्ट करना है ना राइट। अभी यार गाइस ये ठीक है, मगर इसकी पीछे वाली जगह खुलेगी किस तरह? एक काम करता हूँ कि अंदर किसी ना किसी बटन को प्रेस करता हूँ। हाँ मेरे ख्याल से ये सामने वाला बटन है, इसको प्रेस करके पीछे वाली जगह खुल जाएगी। और यार गाइस फाइनली पीछे वाली जगह तो खुल गई है। अभी फटाफट से सारी की सारी गाड़ियों को पहले बाहर लेकर आता हूँ, उसके बाद इसके अंदर लोड करता हूँ। 4 गाड़ियां मेरे ख्याल से तो नीचे भी आ जाएंगी, लेकिन अगर नीचे नहीं आई तो बाकी की गाड़ियां मैं ऊपर खड़ी कर दूंगा। मगर उससे पहले मुझे सारी की सारी गाड़ियों को बाहर निकालना है। काम करता हूँ, सबसे पहले इस वाली गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। इसका दरवाजा तो यार गाइस कुछ ज्यादा ही ओपी है, और सिर्फ दरवाजा नहीं यार गाइस, ये वाली गाड़ी भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ से निकाल के सामने की तरफ जाता हूँ, मगर इसकी छत खुलती है
क्या? वैसे नहीं यार गाइस, इसकी छत किस तरह खुलेगी? छत इसकी बहुत छोटी है, मगर इस वाली गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होने वाली है। फटाफट से इसको ट्रेलर के अंदर लोड करता हूँ। वैसे आज से पहले मैंने कभी भी ट्रेलर के अंदर गाड़ियों को लोड नहीं किया है, तो मुझे अभी संभल के आगे की तरफ जाना है। ट्रेलर का साइज भी यार गाइस काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे अपनी गाड़ियां खड़ी करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक गाड़ी तो यहाँ पे अंदर आ चुकी है और अभी मुझे बाकी की गाड़ियां लेकर आनी है। तो मैं काम करता हूँ कि अभी इस ग्रीन वाली गाड़ी को उठाता हूँ। ये ग्रीन वाली गाड़ी भी आ गई, दिखने में काफी ज्यादा ओपी लग रही है। और सिम्योन ने ये एक गाड़ी मुझे सेल की है पूरे के पूरे 100 करोड़ में, मगर ये ग्रीन वाली गाड़ी मुझे पहले वाली गाड़ी से ज्यादा ओपी लगी है। आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे ही ब्रेक मारते हैं ना हम लोग, इसके पीछे से रेड लाइट्स जलती है। ओपी है यार गाइस, ये वाली गाड़ी भी काफी ज्यादा ओपी है। लेकिन अभी फटाफट से मुझे इसको भी ट्रेलर के ऊपर लेके जाना है। गाड़ियां तो सिम्योन चुन चुन के ओपी ओपी लेकर आया है, लेकिन पता नहीं ये चैलेंज के लिए कर पाएंगे या फिर नहीं। एक काम करता हूँ, इस वाली गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी बाकी की दो गाड़ियां यहाँ पर तो आएंगी नहीं, तो एक काम करता हूँ कि बाकी की दो गाड़ियों को ऊपर खड़ा करता हूँ। ऊपर वाला रास्ता तो मैंने खोल दिया है, अभी मुझे फटाफट से दूसरी गाड़ी लेकर आनी है। सबसे पहले इस वाली जीप को लेकर जाता हूँ। ये वाली जीप यार गाइस दिखने में बहुत ज्यादा ओपी लग रही है। हाँ मेटी, इस वाली गाड़ी को लास्ट में यूज करना ही है, सबसे ज्यादा ओपी है। सिम्योन, अगर ये सबसे ज्यादा ओपी है तो मैं इसको लास्ट में क्यों यूज करूँ? मैं इसको सबसे पहले यूज करने वाला हूँ। दिखने में तो मुझे भी यार गाइस ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा ओपी लग रही है। और सिम्योन बोल रहा है कि इसके अंदर जंपिंग पावर्स भी है, लेकिन अभी पता नहीं ये वाली गाड़ी ट्रक के ऊपर पूरी आएगी भी या फिर नहीं। हम लोग की गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है और सामने वाले ट्रेलर का साइज बहुत छोटा है। नहीं यार गाइस, ये वाली गाड़ी ऊपर नहीं जा पा रही है, लेकिन मुझे कुछ भी करके इसको ऊपर तो लेके जाना होगा। चढ़ गई, लेकिन थोड़ी सी फंस रही है। मुझे इसको किसी भी तरह करके थोड़ा सा और आगे लेके जाना है। बस, हम लोग की गाड़ी यहाँ पे ठीक है, मगर नहीं यार गाइस नीचे गिर गई। पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया, दोबारा से ट्राई करते हैं। गाड़ी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए इसको ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ये ऊपर जा रही है। यहाँ पे फंस गए, यहाँ से ज्यादा आगे नहीं जा सकती है। तो फिर मैं अपनी लास्ट गाड़ी को कहाँ पे पार्क करूंगा? इस वाले मॉन्स्टर ट्रक को मुझे थोड़ा सा आगे लेके जाना होगा। फाइनली यार गाइस हम लोग पहुंच गए। हम लोग की जीप के पहिए थोड़े से नीचे हैं। आई होप कि यार गाइस ये नीचे नहीं गिरेगी। इसका जीप वाला टायर यहाँ पे फंस चुका है। अभी फटाफट से लास्ट वाली गाड़ी को भी ऊपर पार्क करता हूँ, मगर जीप तो टेढ़ी हो गई। अभी खैर हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ट्रक को संभाल के चलाऊंगा। लेकिन सिम्योन बोल रहा है कि ये रॉकेट है, और वाकई में यार गाइस दिखने में तो मुझे भी छोटा रॉकेट लग रहा है। इसके पीछे जेट इंजन लगा हुआ है जो कि गोल गोल घूम रहा है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर से आग भी निकल रही है। साइज में तो ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा छोटी है, तो इसको ऊपर लेके जाने में हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और फाइनली आ गए, हम लोग की ये वाली गाड़ी भी ऊपर आ चुकी है। अभी मुझे पीछे वाले ट्रंक को बंद करना होगा, और धीरे धीरे ट्रंक ऊपर की तरफ जा रहा है। ओपी यार गाइस, ट्रेलर तो काफी ज्यादा ओपी है, और ये वाला ट्रक भी बहुत बढ़िया है। मगर आई होप कि यार गाइस अभी हम लोग की गाड़ियां नीचे नहीं गिरेंगी। तीनों की तीनों स्पोर्ट्स कार तो मैंने बहुत ज्यादा ओपी तरीके से पार्क की है, लेकिन ये वाला ट्रक मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्योंकि इसको खड़ा करने की जगह थी नहीं ऊपर। तो यार गाइस फाइनली पीछे वाला ट्रंक बंद हो चुका है। अभी मुझे बस सही सलामत इस वाले ट्रक को लेके जाना है चैलेंज वाली जगह के ऊपर। सिंचन और चॉप भी मेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन ऊपर वाला मॉन्स्टर ट्रक बिल्कुल भी ठीक नहीं खड़ा हुआ है। अगर तू ये रास्ते में गिर गया तो फिर हम लोग का प्लान थोड़ा सा चौपट हो जाएगा, मगर मैं अपने ट्रक को बहुत ज्यादा संभाल के चलाने वाला हूँ। इसकी स्पीड तो यार गाइस कुछ ज्यादा ही तेज है, 1 सेकंड के अंदर अंदर 106 तक पहुंच गया था, और इसीलिए चैलेंज वाली जगह के ऊपर जाते हुए हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ कि राइड पे होके फटाफट से हाईवे पकड़ता हूँ, क्योंकि हाईवे पे हम लोग अपने इस वाले ट्रक को भगा भी सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसके अंदर टर्बो भी है। एक दफा सीधी रोड पे मैं पहुंच गया ना, उसके बाद इसका टर्बो निकालूंगा। और हाईवे पे जाने के लिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना होगा। अभी फिलहाल तो मैं रॉन्ग वे पे जा रहा हूँ, क्योंकि राइट वे पे जाने के लिए हम लोग को बहुत ही बड़ा लंबा टर्न काट के आना पड़ता है, और अभी हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये वाला रास्ता ठीक है, और अभी देखता हूँ कि इसके अंदर टर्बो है या फिर नहीं। मगर वेट, हम लोग के इस वाले ट्रक के अंदर टर्बो भी है। अभी तो चैलेंज वाली जगह पे पहुंचते हुए मुझे 1 सेकंड लगेगा, मगर वेट यार गाइस ये क्या किया मैंने। अबे यार गाइस ये क्या कर दिया, गाड़ियां गिरी तो नहीं है ना? नहीं यार गाइस, गाड़ियां बिल्कुल ठीक है, और ये वाला ट्रेलर भी सीधा हो चुका है। अभी मुझे इसको कनेक्ट करना होगा अपने इस वाले ट्रक के साथ। कनेक्ट हो गया है, और अभी हम लोग जाएंगे धीरे धीरे। ज्यादा स्पीड हम लोग नहीं पकड़ेंगे, और ना ही हम लोग टर्बो निकालेंगे। लेकिन अगर हम लोग टर्बो नहीं निकालेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम करता हूँ कि धीरे धीरे टर्बो निकाल ही लेता हूँ। लॉस सैंटोस के अंदर आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है, और मुझे सामने सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है। काफी ज्यादा गाड़ियों को मैंने क्रैश कर
कर लिया है, लेकिन अभी मुझे फौरन से पहले ऊपर जाना एक काम करता हूँ कि सिंचन को कॉल करके बोलता हूँ कि चाचा जी को बोले कि अपना कार्गो हेलीकॉप्टर नीचे लेकर आए। अरे यार हामदे आप कहाँ पर हो? सिंचन मैं बिल्कुल चैलेंज के नीचे पहुँच गया हूँ। तू चाचा जी को बोल के हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे लेकर आए। मैंने चार गाड़ियों का बंदोबस्त कर लिया है। अरे यार हामदे ये कैसी आवाज थी? सिंचन ये क्रैश होने की आवाज थी। अरे यार हामदे हम लोग की गाड़ियाँ ठीक तो है ना? सिंचन गाड़ियाँ तो ठीक है लेकिन इनको लेकर आना बहुत मुश्किल है। अभी मुझे दोबारा से इस वाले ट्रेलर को सीधा करना होगा और साथ में मैं इसको अभी यहाँ से कनेक्ट करूंगा। अगर वेट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हो गया गाइस कनेक्ट हो चुका है। अभी धीरे धीरे मुझे यहाँ से आगे की तरफ जाना है। सिंचन को मैंने बता दिया कि वो चाचा जी को बोले कि हेलीकॉप्टर नीचे लेकर आ जाए, मगर वेट ये पीछे टक्कर कौन मार रहा है? अबे यार गाइस ये कौन है पागल? मगर वेट जैसे इसने मुझे टक्कर मारी बेचारा खुद ही शीशे से बाहर निकल के मर गया। अभी हम लोग से पंगा लेगा तो ऐसा ही तो होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑफ रोड करना है। और फाइनली मैं रनवे पर तो पहुंच गया हूं। अभी अपने ट्रक को पार्क करता हूं यहां पर और सारी की सारी गाड़ियों को भी नीचे उतारता हूं। मगर अभी तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ रहा है? खैर जब तक मैं गाड़ियां नीचे उतारूंगा हेलीकॉप्टर यहां पर आ जाएगा। फाइनली यार गाइस सारी की सारी गाड़ियों को मैंने नीचे उतार दिया है और हेलीकॉप्टर भी आ गया। अरे सर क्या मस्त गाड़ियां लेकर आए हो। हां मुझे पता है गाड़ियां काफी ज्यादा ओपी हैं, लेकिन अभी तुम फटाफट से सारी की सारी गाड़ियों को ऊपर लेके जाओ और साथ में मुझे भी ऊपर लेके चलो। अभी सर मेरे पास हेलीकॉप्टर है तो गाड़ियां तो एक एक करके ऊपर जाएंगी। पहले आपकी गाड़ियों को ऊपर पहुंचा देता हूं, उसके बाद आपको ले जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है तुम सारे के सारे गाड़ियों को ऊपर ले जाओ, मैं तब तक यहां पे थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करता हूं। क्योंकि जब मैं माउंट चिलार से नीचे गिरा था तो यार गाइस मेरी टांग पे चोट आ गई थी और अभी भी मेरी टांग में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो एक काम करता हूं कि यहां पे बैठ के वेट करता हूं। अरे सर उठो उठो। हां जाग रहा हूं मैं, क्या हुआ? सर गाड़ियां ऊपर पहुंचा दी, अभी आपको ऊपर पहुंचाना है। हैं किधर ऊपर पहुंचाना है? अरे सर मेरा मतलब के ऊपर चैलेंज वाली जगह पर। अच्छा मुझे लगा तुम बोल रहे हो कि ऊपर ही पहुंचाना है तुमने मुझे। आगे बैठ जाओ फटाफट से हेलीकॉप्टर के अंदर। सर आप खुद फ्लाई करोगे क्या? हाँ तो और कौन फ्लाई करेगा? सर वो डर इसलिए लग रहा था कि आपने एक दफा एरोप्लेन और दूसरी दफा हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। अबे वो तो बस मैं वैसे ही मजाक कर रहा था, हेलीकॉप्टर तुम देखना कि मैं कितना ओपी तरीके से लैंड करता हूँ। मेरी चारों की चारों गाड़ियां तुमने ऊपर पहुंचा दी है ना? जी जी सर वो तो मैंने पहुंचा दी। ये तो तुमने बहुत बढ़िया कर दिया है, लेकिन ये वाला हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा तो सही ना? जी जी सर मैं भी तो ऊपर से ही लेकर आया हूँ। हाँ फिर तो इसको ऊपर जाना चाहिए। एक काम करता हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा सा टर्न करता हूँ इसको, उसके बाद हो सकता है कि इसका प्रोसेस स्पीड अप हो जाए। लेकिन यार गाइस ये कुछ ज्यादा ही स्लो है, हम लोग को थोड़ा सा और वेट करना होगा। और यार गाइस लगता है कि हम लोग का वेट हुआ खत्म। अभी इस वाले हेलीकॉप्टर को पार करता हूँ फटाफट से यहाँ पर। आई होप यार गाइस ये नहीं क्रैश करेगा। बच गए, बाल बाल बच यार गाइस, ये वाला हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं किया। अरे यार हमने आप आ गए। हाँ सिंचन मैं आ गया, मेरी गाड़ियाँ तुम लोग को कैसी लगी? अरे बस गाड़ियाँ मुझे तो बहुत मस्त लगी यार। हाँ बेटी चैलेंज याद है ना तुम्हें? हाँ चाचा जी बस छोटी सी जंप लगा के दूसरी तरफ जाना है। बिल्कुल सही बोला तुमने, लेकिन अभी सबसे पहले कौन सी वाली गाड़ी को ट्राई करूँ? एक काम करता हूँ कि इस रॉकेट वाली गाड़ी को ट्राई करता हूँ, बल्कि वेट सबसे पहले मैं ग्रीन वाली गाड़ी को ट्राई करता हूँ। सिमियन ने बोला था कि ये वाली गाड़ी सबसे ज्यादा ओपी है और मुझे लगता है कि ये वाली गाड़ी जंप को भी क्लियर करेगी। हाँ बेटी सिर्फ चार चांसेस है तुम्हारे पास, याद है ना? हाँ चाचा जी याद है, कितनी दफा याद कराओगे? शुरू में तुमने मुझे बोला था कि मेरे पास पांच चांस है, लेकिन तुमने एक चांस खुद ही गवा दिया था सामने वाले बंदे की गाड़ी को यूज करके। अच्छा चलो वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने देखना है कि मेरी ये वाली गाड़ी रैंप को क्लियर कर पाती है या फिर नहीं। जंप ज्यादा ऊंची तो नहीं है, लेकिन हम लोग की गाड़ी का वेट भी ज्यादा नहीं है और लगता है कि हम लोग पहुंच गए। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, मगर नहीं यार गाइस ये वाली गाड़ी भी फेल हो गई। इतनी ज्यादा खतरनाक गाड़ी कैसे फेल हो सकती है? मगर कोई बात नहीं, अभी हम लोग के पास तीन ऑप्शन और भी है। पहली वाली गाड़ी भी टूट के यहाँ पे गिरी और गाइस ये वाली गाड़ी भी यहीं पे गिरी है। अभी वापस से मुझे ऊपर जाना है। अरे यार हांदा क्या आप इतनी जल्दी वापस आ गए? गाड़ी नहीं पहुंच पाई सिंचन, अभी कौन सी गाड़ी यूज करूं? एक काम करता हूं कि इस ब्लू वाली गाड़ी को यूज करके देखता हूं। इस वाली गाड़ी के पीछे तो जेट इंजन लगा हुआ है, मुझे लगता है कि ये तो यार गाइस पक्का एंड तक पहुंचने वाली है। कुछ भी हो जाए ये वाली गाड़ी क्लियर करेगी और इसकी स्पीड लगभग 120 तक है। मगर ये मैं क्या देख रहा हूं, ये वाली नूबड़ी गाड़ी भी गई नीचे। उम्मीदें तो मुझे इस वाली गाड़ी से काफी ज्यादा थी, बट यार गाइस ये वाली गाड़ी चैलेंज को नहीं क्लियर कर पाई है और अभी मेरे पास पीछे बचे सिर्फ और सिर्फ दो चांसेस। अरे यार हमें लगता है कि अभी हम लोग मर जाएंगे। नहीं नहीं सिंचन तुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सिमियन से जब मैं ये वाली गाड़ियां लेकर आया था तो सिमियन ने मुझे बोला था कि ये वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और साथ में इन वाली गाड़ियों की स्पीड भी तेज है। इसको मैं बाद में ट्राई करूंगा, पहले एक काम करता हूं कि इस वाले मॉन्स्टर ट्रक को ट्राई करता हूं। इस वाले मॉन्स्टर की सबसे ज्यादा ओपी बात यह है कि इसके अंदर सस्पेंशन बहुत बड़े लगे हुए हैं, साथ में इसके पहिए भी आ गए कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। मुझे लगता है कि ये वाला ट्रक हम लोग को जितवाएगा। थोड़ी सी हम लोग यहां से स्पीड पकड़ते हैं और पहुंचेगा हम लोग का ये वाला मॉन्स्टर ट्रक पहुंचेगा। बट नहीं यार
गाइस ये भी नहीं पहुंच पाया। अभी तो मुझे धीरे धीरे काफी ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कौन हम लोग को बचाएगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि यार गाइस कोई भी नहीं बचाने वाला है हम लोग को, जो भी करना होगा मुझे खुद ही करना होगा। ये वाली गाड़ी भी फेल हो गई, वो सामने ग्रीन वाली गाड़ी भी फेल हो गई, और सिर्फ यही नहीं ये वाला मॉन्स्टर ट्रक भी यार गाइस फेल हो चुका है। सबसे ज्यादा उम्मीद मुझे इससे थी कि ये रैंप को क्लियर कर लेगा, मगर गाइस ये वाला मॉन्स्टर ट्रक भी कुछ नहीं कर पाया। अभी पीछे मेरे पास बची है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, अगर तो एक ही गो के अंदर मैंने इस बार रैंप को क्लियर कर लिया फिर तो ठीक है। अरे हाँ, मैं लगता है कि आज हम लोग नहीं बचेंगे। सिंचन देख, अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो है ये वाली गाड़ी। हाँ बेटी, तुम्हें क्या लगता है कि ये वाली गाड़ी क्लियर करेगी? हाँ लगता तो मुझे यही है। ठीक है फिर ट्राई करके देखो। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हो? अभी ये वाली गाड़ी मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, अगर तो मैंने सामने वाले जंप को क्लियर कर लिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला जंप मुझसे क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम लोग को जाना होगा प्लान बी की तरफ। और प्लान बी ये है कि मैं यहाँ पे सारे के सारे लोगों को मार दूंगा और फिर सिंचन और चौप को बचा के यहाँ से निकल जाऊंगा, साथ में सोने की चीजें भी उठा लूंगा। लेकिन ये वाला काम काफी ज्यादा रिस्की है, और अगर मैंने ये वाला काम किया भी तो फिर लॉस सैंटोस का ये वाला चाचा जी मुझे कभी भी किसी भी चैलेंज में एंटर नहीं होने देगा। ये वाली गाड़ी है तो काफी ज्यादा ओपी, और इसके अंदर सामने टर्बो गेजेस भी है, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी के अंदर टर्बो है। एक काम करता हूँ कि टर्बो निकालता हूँ यहाँ से, धीरे धीरे टर्बो निकालूंगा और लगता है कि हम लोग पहुंच गए। हाँ वैसे आ गए हम लोग पहुंच गए। अभी मुझे बस अपनी गाड़ी को यहाँ पे नीचे की तरफ लैंड करना है, और गाइस आप लोग देख रहे हो कितनी ज्यादा ओपी लैंडिंग की है हम लोगों ने। और वेट यार गाइस, गाड़ियां तो सचमुच में सोने की हैं। एक काम करता हूँ कि अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ यहाँ पर और उतर के देखता हूँ कि हम लोग को क्या इनाम मिला है। यहाँ पर तो सारे के सारे गाड़ियां बहुत ज्यादा ओपी हैं, लेकिन चाचा जी ने मुझे बोला कि मैंने सिर्फ और सिर्फ दो गाड़ियों को चूज करना है, तो सबसे पहले तो मैं इस वाली गाड़ी को चूज करने वाला हूँ और इसके बाद मैं चूज करूंगा ये वाली गाड़ी। ये भी यार गाइस पूरी की पूरी गोल्ड की है और डिजाइनर कार है। हम लोग का सोने का हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पर, और साथ में एक सोने का फाइटर जेट नहीं है क्या? इसका कलर क्यों फेड हो गया है? ये वाली जगह गोल्डन है, ये वाला मिसाइल भी गोल्डन है, और इसकी फ्रंट टिप भी गोल्डन है। मुझे लगता है कि ये कैमोफ्लेज हुआ हुआ है। हाँ वैसे यार गाइस ये वाला फाइटर जेट भी बहुत ज्यादा ओपी है। लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो मुझे फिलहाल तो अपनी गाड़ी की स्पीड को यहीं पे टेस्ट करना होगा। धीरे धीरे ये आगे की तरफ जा रही है, 500 क्रॉस कर लिया इसने, मगर वेट मुझे इसको रोकना होगा। बे यार गाइस खिड़की से बाहर निकल गया। गाड़ी तो मानना पड़ेगा बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन मुझे इसको सही से चेक करने के लिए लॉस सैंटोस एयरपोर्ट जाना होगा। लॉस सैंटोस एयरपोर्ट तो मैं आ गया हूँ, अभी अपनी गाड़ी को भगाऊंगा यहाँ से। आप लोग देख रहे हो इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है, 1000 से ऊपर निकल गई। बे यार गाइस मेरे ख्याल से 1400-1500 तक चली गई थी, और अगर जगह ज्यादा लंबी होती तो हम लोग की ये वाली गाड़ी 5000 को भी टच कर लेती, लेकिन हम लोग के पास एक नहीं 3 गोल्ड की गाड़ियां और भी हैं। और अभी एक एक करके मैं सबको टेस्ट भी करने वाला हूँ। इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले ओपी लगा हो तो यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और गेम प्ले के अंदर। टेक केयर एंड बाय।